हम लोग जैसे ही होटल पहुंचे, हमारे मैनेजर ऑफ द होटल टोल्ड अस दैट वी शुड गो विजिट वार्ड्स लेक विच इज ओनली 3 मिनट्स वॉक फ्रॉम द होटल. सो हम लोग तुरंत रेडी होकर के आ गए हैं एंट्री पे. आपको दिखाते हैं वार्ड्स लेक का एंट्री है. हाँ, 40 रुपये चाहिए. 40 रुपये की एंट्री है. 20 रुपये पर टिकट. गिव मी 40 रुपीज. एक शॉर्टकट एंट्री थी यहाँ से. भाई साहब पहले हमें लॉन्ग कट एंट्री से लेके जा रहे थे. वो उस पे गूगल के पर वही लिखा हुआ था. लेकिन हमें ओनर ने मतलब मैनेजर ने बोला था गरीब बड़ी हो जा. होटल रिसेप्शनिस्ट ने बोला. रिसेप्शनिस्ट थी वो. मैंने मैनेजर बोल दिया. फ्रंट ऑफिस व्हाटएवर शी इज अ स्वीट लेडी. उसने बोला हमें बाजू में करके. फिर मैंने मैप लगाया. मैंने बोला बाजू में. फिर हम लोग आगे तुरंत 20 रुपये की एंट्री लगाई है और हम लोग जाए देखने के लिए. एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. 5:30 ये क्लोज हो जाता है. दैट्स व्हाई वी हैव कम अर्ली. एक्चुअली कपल पॉइंट है. मेरी मुंडी मत काट देना. मेरी हाइट ज्यादा है तो कैमरा थोड़ा सा टिल्ट किया कर. कपल पॉइंट है. बहुत सारे कपल्स बैठे हुए हैं. बट माय कपल डज नॉट लाइक टू बी कपल. ही इज नॉट लाइकिंग दिस पार्क. वेरी क्यूट पार्क इट इज. आई विल शो यू. ये है हमारा वॉच लेक जिसके अंदर पानी नहीं है. पानी सूख चुका है. एंट्री करते ही स्मेल आ रही थी लेक में से. नहीं वो तो शायद थोड़ा गंदा स्मेल आ रहा था. लेकिन बड़ा क्यूट है ये. लेकिन नो डाउट लुक एट द फ्लावर्स. देयर आर सिटआउट्स एवरीवेयर. वेरी वियर्ड. प्राणी से शादी कर ली है मैंने. कोई फर्क नहीं पड़ता है इस इंसान को इन सब चीज़ों से. हम लड़की को ये सब चीज़ें क्यूट लगती हैं. ये बोटिंग पॉइंट है वॉर्ड्स लेक का. यहाँ से बोट लेके आप जा सकते हैं बोटिंग करने के लिए. बट आई हैव नॉट सो हैपनिंग हस्बैंड हु डज नॉट अप्रिशिएट बोटिंग एंड वॉर्ड्स लेक. अकेले जाके ऊपर बैठ गए लोग. यहाँ मस्त कपल 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 चिल कर रहे हैं या हम अलग अलग चिल कर रहे हैं. लुक एट हिम. लुक एट दिस गाय. वी हैव एन ऑप्शन कि यू कैन ड्रेस अप इन द खासी ट्रेडिशनल ड्रेस. कैप्चर योरसेल्फ इन खासी ट्रेडिशनल ड्रेस. तो बहुत सारे लोग उस ड्रेस को पहन करके भी जा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं. और मेरे नॉट सो रोमांटिक हस्बैंड ने भी कहा मुझे कि तुम्हें ये सब करना है तुम जाके कर लो. मैं इधर ही बैठता हूँ. ये लेक 1894 में बना था. और आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो ये जो सराउंडिंग स्प्रिंग्स है उसके पानी को जमा करने के लिए बनाया गया था. और ये ब्रिज बंद कर दी गई है. मे बी अभी उतना सेफ नहीं हो गया होगा बिकॉज इट इज़ लाइक मोर देन 100-130 ईयर्स ओल्ड. अब जा रहे हैं हम लोग. ऊपर क्यूट सी कैफ़े दिख रही है. जा रहे हैं वहीं बैठेंगे. वैसे ये प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ा. ये आगे तक लोग बैठे हुए हैं. उधर उधर तक लोग आए हुए हैं. क्यूट कपल्स पार्क है. लेकिन इसमें अंकल आंटियाँ भी दिख रहे हैं. विच इज़ से लोग है कैफे लेक साइड वॉच लेक शिलोंग. लोग बैठ गए हैं आके कैफे लेक साइड में. Do you feel better now? About what? अभी खाना नहीं मिला. About the Wards Lake. खाना मिलेगा तब उसके I'll feel better. Right now खाना नहीं है. Yeah, he's very hungry. That's why. वो वहाँ है ब्रिज और लोग जा रहे हैं. अच्छा लग रहा है देखने में. व्यू बहुत सुंदर है. बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे स्पैरोज हैं. टाइम हो गया है स्पैरोज देखे हुए. यहाँ बहुत सारे हैं. बैंगलोर में हुआ अगर. हम लोग अभी पार्क के अंदर ये चुन रहे हैं और इसको चुन के ले जाएंगे. देखो उसने एक बड़ी सी झाड़ भी पकड़ ली ढूंढ ली है यहाँ पे. एक देखो ये उग भी रहा है इसमें से. झाड़ गिर गया है. ये इसका ग्रीन भाई है. ये इसका ब्राउन भाई है. भेदभाव नेचर ही करता है गोरे काले में. और ये मुझे आइडिया दिया गया कि इसको कलर करके घर में रखो. एनीवेज आई हैव लॉट ऑफ कलर एंड स्टफ. आई लव कलरिंग. तो मैं इन सबको कलर करूंगी और रखूंगी बैंगलोर में. बचपन में हम लोगों को पापा ला के देते थे. मजा आ रहा है देख के. हम लोग आ गए हैं शिलोंग के पुलिस बाजार में. और यहाँ प्लांट से लेकर कपड़े मैग्नेट्स सब कुछ बिक रहे हैं. हैंगर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स छोटे बच्चों के कपड़े बड़े बच्चों के कपड़े जूते चप्पल मोजे यू नेम अ थिंग एंड सोल्ड योर. प्रॉपर स्टोर्स भी हैं लेकिन ज़्यादातर रोड साइड मार्केट ही है. 100, 200, 300 के रेंज में सब कुछ आपको मिलेगा. इधर लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ. और ये है यहाँ का सिग्नल. कुछ
स्ट्रीट है बगल में उस पुलिस लेन के। हम लोगों ने चाय का दुकान देखा तो हम रुक गए चाय पीने के लिए। यहाँ नॉर्मल गाय भैंस दूध नहीं मिलता है तो जो है अमूल का दूध ही है। हम लोग शिलोंग घूम घाम के कितने घंटे घूमे, 7:45 बज गए। हम लोग कितने बजे गए थे, 4:30, 5:45 कितने बजे गए थे? हम लोग गए यहाँ से अराउंड हम लोग 5:30 के आसपास गए थे। 5:30 इतना ज्यादा मार्केट में भीड़ है। और इंटरेस्टिंगली मुझे 50 रुपए के टॉप्स मिले। मैडम ने खूब सारा सामान खरीदा है। 50 रुपए में टॉप, मतलब सुंदर सुंदर टॉप। वहाँ पे एक धारवाड़ की आंटी ढूंढ ली, एक बैंगलोर की लड़की ढूंढ ली। मैं बताती हूँ, तो ये थोड़ी देर वहाँ पे और रहती तो सामान भी बेचने लगती। नहीं तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ले रही थी क्योंकि उसने बोला 50 रुपए, विच साउंडेड वेरी चीप। तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर टॉप्स एंड ऑल। सडन से एक बाजू से आंटी को उसने बोला 50, तो आंटी ने बोला आईवत्तू। मुझे ये रियलाइज बिल्कुल नहीं हुआ कि हम शिलोंग में है, कर्नाटका में नहीं है। मैंने बोला हाउ डू आईवत्तू, एंड देन शी रियलाइज आईवत्तू इन कनाडा इज 50। सो शी रियलाइज की ओ आई एम अ कनाडा स्पीकिंग पर्सन, एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग वेयर आई एम फ्रॉम, वेयर आई एम गोइंग, and she's from Dharwad and all that. And then later I saw another girl who was looking out for different shops, and I recommended her this place saying this place has 50 rupees, and she ended up buying some 7-10 tops and all that. I got her number and now we're gonna be friends because she is also from Bangalore. So I met two different Karnataka families in Shillong, Meghalaya, which is very surprising, but it was fun. Now I'm not gonna show what all I bought because I'm gonna wear them and nobody should know they were for 50 bucks. और जैसे ही घुसे हम अपने कमरे में, हमें मिला है ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल। इनको क्या पता कि हम ग्रीन एप्पल खूब सारा खाते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी। हमारा डिनर आ गया है, हमने फैंसी डिनर ऑर्डर किया है आज। और ये भी आया है हमारा हैप्पी 9th वेडिंग एनिवर्सरी। सो वी ऑर्डर्ड सम pomfret and some mutton biryani which we're gonna relish now. Let's eat, but somebody's busy editing video. Please watch our videos, please I request you. So it's time for us to cut our 9th anniversary cake. हमारा डिनर हो चुका है। हो, हमने व्लॉग नहीं करा, बहुत भूखे थे हम लोग। भूखे थे हा? अब नहीं है। अब मैं कम से कम 2 दिन के लिए भूखा नहीं हूँ। हम एक एक मील खाएंगे, जैसे हमने बीच में करा ना, रोज एक एक मील खा रहे थे हम, तो हम एक एक मील खाएंगे बिल्कुल। सो कम लेट्स कट, लेट्स डू द ऑनर्स। Happy anniversary to you. इसका चीज़केक तो सही चीज़ है। To us, yeah. And then. No, wait, hold on. ये actually सिर्फ चीज़ ही है, केक नहीं है इसमें। चीज़केक है? हमने काफी देर रखा है, शायद इसलिए वो थोड़ा नहीं मेल्ट सा कर गया है। ये सो कॉल्ड 5-स्टार होटल का चीज़केक है। सो कॉल्ड और एक जो हमको रेगुलर स्विगी और ज़ोमैटो में मिलता है, एक वो चीज़ एक है। डू यू वॉन्ट टू आंसर दैट? पता चला मुंह में घुल गया। और जो चीज़ केक ऐसे खाते हैं हम लोग, वो कैसा रहता है? हाँ, सी दैट्स द डिफरेंस। इसके पैसे भी तो ज्यादा लगे हैं। हर चीज के पैसे ज्यादा लगे। हमने 1000 रुपए की बिरयानी खाई है, हमने 1000 रुपए का बिल दिया है, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा लो। जीएसटी तो हाँ, तो लग्जरी के ऊपर टैक्स है, मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकता। इट इज नॉट अबाउट मोदी, इट इज कौन सा राहुल गांधी क्या फ्री में देगा? पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। अच्छा, यू ट्राइंग टू से मोदी गवर्नमेंट इज नॉट राइट? स्पेशली लग्जरी पे तो इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। लग्जरी लग्जरी है, औकात है तो करो, नहीं है तो मत करो। ये तो गलत बात है, मौका सबको मिलना चाहिए। हम केक कटिंग से मोदी और राहुल गांधी पे कैसे चले गए मुझे समझ में नहीं आया। यही है इंडिया का पॉलिटिक्स, यही है हमारा। एनिवर्सरी के दिन भी फालतू की बात पे बहस कर रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। थैंक यू, चीयर्स गाइस।